देख रहे हो। अच्छा एक चीज देखना, मैं जब अपना पैर चला रहा हूं, मैं जब अपना क्या चला रहा हूं इस पे, तो मेरा यही वाला पैर चल रहा है, दूसरा पैर रेस्ट पे। ऐसा क्यों? दूसरा क्यों रेस्ट पे है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहना चाह रहा है, वो एक स्टिल जगह पे ऊपर है। यस और नो? ये वाला पैर क्यों चल रहा है? क्योंकि वो मूवमेंट करना चाहता है, हाँ या ना? इसने मूवमेंट किया तो ये बढ़िया चल रहा था, ठीक है? तो ये वाला पैर मेरा क्योंकि मूवमेंट में और ये वाला रेस्ट पे है, तो बोल अगर इस पैर को ज्यादा मूवमेंट मिल गया तो मेरा आज 180 डिग्री स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है? अपने को 180 डिग्री स्प्लिट करना नहीं है, दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना? सुर, फिर वो सुरसुरी दद्दात वाला केस ना हो जाए अपने साथ, है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को दोबारा देखेंगे, चलो अलग तरह से ध्यान देना। ये बॉल को इसके ऊपर रख रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं आगे चला रहा हूं। एक जना इसको रोकने के लिए आना, उधर खड़ा हो जा, बैठ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बॉल और ये दोनों साथ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाए, इधर बैठ जा। बॉल और ये साथ जाएंगे, मैं इधर हूं अब, ठीक है? मैं दिख रहा हूं, बाल वाल सेट कर लूं। बॉल और ये क्या करने वाले हैं? साथ जाने वाले हैं, क्योंकि मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है? ध्यान देना, तू रोकना। बॉल क्यों उसके ऊपर आगे चली गई? वापस देखना, बॉल उसके साथ आगे चली जाएगी, ये आगे जा रहा है ना, बॉल जो है ना वो भी इसके साथ में आगे चली जाएगी। इसे पलटी मार के भेजता हूं तो तुम्हें दिखेगा। अभी क्या है, फिसल के जा रही है बॉल इसके ऊपर से, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको धक्का मारूंगा नीचे, टिक जा, हाँ रोक, बॉल नहीं रोकनी, वो रोकना है, ठीक है? इधर आ, बॉल आगे आई, बॉल आगे इसके कारण आई, मैंने रोका ना, तो बॉल तो मोशन में थी, बॉल किस में थी, तो बॉल आके टकरा गई। चल इसको और दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, मैं इसे दीवार पे टक्कर दूंगा, दीवार पे टक्कर दूंगा, बॉल जबरदस्ती दीवार पे चली जाएगी। मैं धक्का किसको मार रहा हूँ, स्केटबोर्ड को, और बॉल जाके दीवार के टकराएगी तुम्हारे सामने, सब लोग ध्यान से देखें, टिक जा, हवा निकाल दो, मेरा सर रख लो यहाँ पे, हर चीज में इसे अपनी याद आ जाती है। अपने आप गई आगे, मैंने बॉल को धक्का दिया था क्या? अभी अपने आप क्यों आगे गई? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ भाई, यहां पर हुआ क्या, ये जब रुक गया यहां पे, तो बॉल इसके ऊपर थी, बॉल बोली मैं तो मूवमेंट कर रही हूं तो मैं तो आगे जाऊंगी चाहे कुछ भी कर लो, यस और नो? फिर होता है एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, रेस्ट और मोशन, वैसे तो मेरे पैर वाले से भी समझ में आ गया होगा। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, तू बैठ जा रहा, ठीक है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे मान ले मैंने बॉल को ऐसे घुमा के छोड़ा, तो होना क्या चाहिए, एक चक्कर काट जाए। बार बार क्यों चक्कर काट रही है, एक ही बार काटे ना चक्कर, बार बार क्यों घूम रही है? क्योंकि उसको यह सिखा दिया गया कि अब तू चक्कर काटती रहे, ये इनर्शिया बोल रहा है कि अब तू चक्कर काटती रहे, कंटिन्यू दिस वॉट यू आर डूइंग, है ना? और इसी कारण बॉल जो है वो कंटिन्यूअसली घूमती है। ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर ऐसे घूमती रहेगी, अगर मैंने वो घुमा के छोड़ दिया, मान ले मैं बहुत ऊपर से इस बॉल को यूं घुमा के छोड़ दूं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई हवा नहीं, तो क्या अपने आप ऐसे घूमती रहेगी? इन दैट केस घूमती रहेगी, है ना? पर अगर हमने कोई रेजिस्टेंस वगैरह ले आए इसके अंदर या और कुछ ले आए, तो क्या इसका घूमना जो है वो भी बंद हो जाएगा? एक टाइम पर सब चीजें जो है वो रुक जाएंगी, डिपेंडिंग के किस तरह का एयर रेजिस्टेंस है। हम बॉल को क्या ऐसे स्पिन भी करा सकते हैं, ऐसे घुमा के फेंकता हूं तो अपने पास आती है, ऐसे घुमा के फेंकता हूं तो दूर जाती है, ऐसे घुमाता हूं तो इधर आती है, ऐसे घुमाता हूं तो इधर आती है। जब ये बाउंस कर रही है तो इसको एक डायरेक्शन का इनर्शिया भी है जो इसके घूमने के कारण है। अपन इन चीजों को फ्रिक्शन से तो समझते ही है, फ्रिक्शन से समझाऊंगा जब अपन क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल वगैरह, नहीं रोटेशनल में, ये वाला फ्रिक्शन जो है ना रोलिंग वाला है, तो रोलिंग वाला किस में आता है, रोटेशनल में, उस समय बताऊंगा। पर अभी इस बात को इनर्शिया से भी तो समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे घुमा रहा था, इधर ही गई टप्पा खा के, घुमा ऐसे रहा था ना, समझे? ऐसे घुमा रहा हूं, इधर ही गई टप्पा खा के, अपनी तरफ घुमा रहा हूं, मेरी तरफ ही आ रही है, गलत जगह आ रही है, आ रही है ना, देख लो। तो ये स्पिन है अलग अलग तरह की, ठीक है? अब उधर कर रहा हूं,
आगे जा रही है ना, तो ये जो बॉल का आगे पीछे जाना है ना, ये सब सब इनर्शिया के ऊपर हो रहा है। असल में सारी चीजें इनर्शिया बेस्ड है। फिर हमने नए नए कंसेप्ट लगा दिए, फ्रिक्शन डाल दो इसमें, ये कर दो और वो कर दो, एक पॉइंट पीछे जा रहा है तो ये आगे जाएगा और इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इन सब कहानियों से हमने उसे और कॉम्प्लिकेट कर दिया। पर क्या इजीली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं? यहाँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि मैं अगर अपना हाथ बहुत तेजी से नीचे हटा दूं तो मेरा हाथ मैं हटा सकता हूँ बहुत तेजी से, यस और नो, और बॉल जो है वो बाद में गिर रही है, ठीक है? और यही मैं हाथ और बॉल साथ भी ले नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारे जो इफेक्ट्स है ना, ये अपने को धीरे धीरे दिखते हैं। हम इनके अंदर फोर्सेस की बात करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं, नॉर्मल होती है, एमजी होती है, क्या नॉर्मल हमेशा लगती है? कॉन्टेक्ट आता है तो लगती है, क्या कॉन्टेक्ट आते ही नॉर्मल लगने लगती है? नहीं, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्ट हो तो नॉर्मल हो। जब उस फोर्स की बात करेंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे, पर आपको जो बातें समझनी है उन बातों को समझने की कोशिश करो। यहां हम इनर्शिया की बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबको देखा मैंने, जहां घुमाया उधर ही जा रही है, इधर घुमाया तो इधर, इधर घुमाया तो अपनी तरफ, घुमाया तो अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ घुमाया तो तुम्हारी तरफ, ये सब चीजें आ रही है। रेस्ट और मोशन समझ में आ गया, ये जब सीधे जाके वहां टकराया था बॉल इसके साथ साथ गई थी, ये बात समझ में आ गई। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था या मोशन? इसका रेस्ट था और इसका क्या था? बॉल को ऐसे घुमा रहा हूं तो कौन सा इनर्शिया है? डायरेक्शन भी तो मेंटेन होता है, सारी चीजें हैं, डायरेक्शन भी तो मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा? समझ में नहीं आ रही कौन सा डायरेक्शन? अरे यार चिकनी हो गई है वो बॉल, अभी क्या नई है ना तो बहुत चिकनी है, अभी इसके बाल नहीं आए इतने। इसके सर को ऐसे घुमा सकता हूं मैं उल्टा करके? घूम तो रही है थोड़ी बहुत, हाँ वही वही वही, ये तू बॉल के साथ कर सकता है? पहले ही नहीं बोल दिया यार, क्या कर रहा है? देख एक बार ट्राई कर, फिर तेरे से करवाऊंगा, कर कोशिश कर, नहीं बात दे दे जा रहे रहे। तो पॉइंट यही है कि मोशन, डायरेक्शन और रेस्ट, तीनों चीजों की फील जो है वो अपने को इससे ढंग से आती है। और चीजें भी हम लोग कर सकते हैं, पर ठीक है कितनी चीजें करें।